हाँ जी नमस्कार दोस्तों, आज लेवल 4 NSQF ऑटोमोबाइल मतलब प्लस 2 आज हम पढ़ेंगे बैटरी एंड इट्स मेंटेनेंस। बैटरी और उसका रख रखाव। बैटरी का तो सबको पता है, बैटरी क्या है? इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बैटरी दिल होती है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम की, बैटरी के बगैर कुछ नहीं, ठीक है। बैटरी इज इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस, और वाहनों में कितने वोल्ट की होती है? 12 वोल्ट डीसी करंट की होती है, ठीक है। और बैटरी हमेशा हमारी अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, यूजेबल कंडीशन में होनी चाहिए। जनरल प्रिकॉशन वाइल हैंडलिंग बैटरी, जब हम बैटरी को हैंडल करते हैं तो सामान्य प्रिकॉशन क्या क्या लेने चाहिए? बैटरी का प्रिकॉशन, मेंटेनेंस क्या करेंगे? मेंटेनेंस में 2-3 चीज तो हमेशा याद रखनी है, पहले ही बताया था, स्वच्छता, क्लीनिंग, साफ सफाई। क्यों? बैटरी के जो टर्मिनल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल में सेडिमेंट सफेद सफेद सा जम जाता है ना, उसको क्लीन रखना है। इसका सराउंडिंग भी क्लीन करनी है, इसकी पेरिफेरी केसिंग वो भी क्लीन करनी है। इसमें इमरी पेपर से उसको साफ करेंगे, फिर ग्रीस लगाएंगे टर्मिनल पे, कई बार गर्म पानी से भी, आपके सभी के घरों में बैटरी होगी ना, इसके सबसे पहले क्या है? सफाई। फिर हैंडल विद केयर, सावधानी पूर्वक उठाना है, सावधानी पूर्वक लेना है। बड़ी बैटरी भी होती है, ठीक है, इसके अंदर होता है एसिड। कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है जी। एक हफ्ता का कोरोसिव भी है, जला देगा कपड़ों को, जला देगा, आंखों में आ जाए तो आंखों का नुकसान करेगा, तो इसको एसिड को गिरने नहीं देना है। अगर चमड़ी पे गिर गया तो जला देगा चमड़ी को भी, तो इसका ध्यान रखना है। क्लीनिंग, हैंडल विद केयर, और इसका एसिड। और जब बैटरी का कनेक्शन करते हैं, दो लीड रहती है ना, दो टर्मिनल, एक ब्लैक और एक रेड, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। When connecting battery cables, always connect the negative cable last. जो नेगेटिव है उस केबल को आखिर में जोड़ना है, तो पहले कौन सी जोड़ेंगे? पॉजिटिव, तो नेगेटिव को लास्ट में। Avoid any arcing or open flames near battery. बैटरी के आस पास माचिस नहीं जलानी है, आग के आस पास नहीं जाना है, फ्लेम या आर्किंग, आर्किंग क्या होता है? चिंगारी, बिजली वगैरह चिंगारी इतनी नहीं करनी, ब्लास्ट हो सकती है भाई। आपस में दोनों कनेक्शन है वो नहीं मिलाने, कई बार चेक करते हैं ना, नहीं गलत है वो। और टॉप ऑफ किसे करते हैं बैटरी को? डिस्टिल्ड वाटर, ऑलवेज टॉप ऑफ विद डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर से टॉप ऑफ करना है। और इसमें एडिशनल इलेक्ट्रोलाइट नहीं, एसिड नहीं डालना है, जो बैटरी में है टॉप ऑफ से पानी से करना है, इसमें एसिड नहीं डालना है, नहीं तो क्या होगा? ब्लास्ट, इसमें क्या है ना, एसिड उछलेगा, उछलेगा, आंखों में जा सकता है, कपड़ों में गिर सकता है, चमड़ी को खराब कर सकता है, घातक है, उसमें डालना चाहिए नहीं, ठीक है। और ओनली क्या ऐड करना है? ओनली डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना है। और जब हम बैटरी पे काम कर रहे हैं, डोनोट वियर एनी ज्वेलरी, कोई आभूषण, अंगूठी, कड़ा, चूड़ी, मंगलसूत्र, कुछ नहीं पहनना है, उधर कोई आभूषण नहीं पहनना है, ठीक है। डोंट वेयर एनी ज्वेलरी और वॉचेस, घड़ी नहीं पहननी है उस टाइम व्हाइल सर्विसिंग द बैटरी। और नेवर लीज टूल अक्रॉस द बैटरी, ये बैटरी है तो बैटरी के ऊपर टूल जो है क्रॉस वाइज नहीं रखने हैं। टूल अपने किस चीज के हैं? स्टेनलेस स्टील के हैं, लोहे के हैं, जो क्या होगा उसमें करंट आ जाएगा, दोनों टर्मिनल दोनों मिल जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ब्लास्ट हो सकती है। तो टूल में एक बार क्या करते हैं, लापरवाही में बैटरी के ऊपर रख देते हैं, वो बैटरी के ऊपर नहीं रखना, ठीक है। और वियर सेफ्टी ग्लासेस, चश्मा लगा आंखों में ना आए, वियर सेफ्टी ग्लासेस और फेस शील्ड या मास्क वगैरह, फेस शील्ड व्हेन सर्विसिंग द बैटरी। इफ द बैटरी इलेक्ट्रोलाइट्स इज फ्रोजन, अगर हमारा एसिड वगैरह जो बैटरी में जम जाता है तो इसको डिफ्रोस्ट करना, डिफ्रोस्टिंग समझते हैं ना, डिफ्रोस्टिंग, फ्रिज में भी डिफ्रोस्ट करते हो ना,
फ्रिज में जो बर्फ वगैरह जम जाती है तो उसको डिफ्रॉस्ट करते हैं, ऐसी बैटरी को भी डिफ्रॉस्ट करना है। और व्हाइल इट इज डिस्टॉर्टिंग लुक द लीक्स इन द केस, केसिंग में उसमें लीक वगैरह का चेक करना है। लीकेज मींस द बैटरी इज क्रैक एंड शुड बी रिप्लेस। अगर बैटरी में कहीं से भी लीक दिखाई दे तो बैटरी में लीक है तो पूरी बैटरी को ही चेंज करना है। बैटरी इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग कैसे करेंगे? बैटरी का इंस्पेक्शन एक तो हम नंगी आंखों से पहले चारों तरफ से देखेंगे, ठीक है, कि बैटरी की केसिंग देखेंगे कहीं लीक वीक तो नहीं है, कहीं क्रैक तो नहीं है। अगर क्रैक है तो बैटरी को चेंज करना है। और बैटरी का टर्मिनल अगर गंदे हैं, उसमें सेडिमेंट्स वगैरह सफेद सफेद जमा है तो उसको साफ करेंगे, एमरी पेपर से साफ करेंगे, गर्म पानी से भी साफ करते हैं अगर ज्यादा जमा है, अच्छी तरह साफ करके और उस पे हम ग्रीस लगाएंगे। ग्रीस नॉर्मली PH7 जेली या ग्रीस का यूज करते हैं। इसको टॉप अप किस चीज से करते हैं? डिस्ट्रिक्ट वाटर से करते हैं। और सर्विसिंग में इसका आ जाएगा इफ द व्हीकल चार्जिंग इफ द वर्किंग प्रॉपरली एंड इलेक्ट्रोलाइट लोड आर नॉट एक्सेसिव, चार्जिंग का हो जाएगा। इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग में बी ओनली सर्विसेज एंड मैकेनिक्स टू डू द जॉब्स यू विल नीड। हाँ, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या औजार चाहिए सर्विसिंग के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले जो कॉमन यूज क्लीनिंग सॉल्यूशन जिसे हम क्लीन करते हैं, जैसे बेकिंग सोडा है, पानी है, अमोनिया है, और क्लीनिंग ब्रश से साफ करते हैं, ये हमें औजार चाहिए। और रेंच जिसे हम टर्मिनल से उसको खोलेंगे, टर्मिनल स्प्रेडर एंड पुलर, उसको कई बार जो उसमें फंसे रहते हैं ठोक के लगाते हैं, कई बार उसको फैलाने के लिए उसको स्प्रेडर बोलते हैं, और फिर पुलर उसको निकालने के लिए टर्मिनल से जो हमारा लीड है वो फंस जाता है उसको। एक बैटरी कैरियर और द लिटल स्पेस, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, कपड़े ऐसे चाहिए जो कोटिंग, प्रोटेक्टिव कोटिंग, गॉगल्स, चश्मे आंखों के चीटे वगैरह ना जाए उनका हमें रखना है। और बैटरी इंस्पेक्शन में कंप्लीट बैटरी इंस्पेक्शन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 8 स्टेप है इसकी बैटरी इंस्पेक्शन की। सबसे पहले क्या है जो कई बार बताया, हाँ, बैटरी की कैप को तो हम भूल ही गए, कैप जिससे हम टॉप अप करते हैं, डिस्टिल वाटर डालते हैं, कैप होती है, ठीक है, कैप को साफ रखना है। कैप में एक छिद्र होता है, होल होता है, एयर ब्रीदर या एयर होल टाइप, उसको बंद नहीं होना चाहिए, उसको चेक करना है, नहीं तो क्या होगा, वो जो गैस वगैरह बनती है ना उससे एस्केप, उससे बाहर निकलते हैं, उसको साफ करना है। और डू नॉट ओवरफिल द बैटरी, बैटरी को ज्यादा भी नहीं भरना है, टॉप अप करते हैं तो बस पता ही चल जाता है। आजकल तो मार्केट निशान आए हुए हैं, देखिए ना, एक लाल ही डंडी के बीच में होती है, उसे पता चल जाता है कि इसमें पानी कम है, डिस्टिल वाटर कम है, तो पता चल जाता है, तो उसको उसी लेवल तक ही भरना है। चेक फॉर मिसिंग और डैमेज सेल कैप्स, रिप्लेस एज रिक्वायर्ड, अगर कोई कैप मिसिंग है, कैप नहीं है तो कैप लगाएंगे, ठीक है। चेक बैटरी टर्मिनल केबल्स कनेक्शन, केबल का कनेक्शन चेक करना है। और कोरोजन अगर जंग वगैरह लग गया है तो उसको साफ करना है, क्लीन एज रिक्वायर्ड। चेक द केबल्स फॉर ब्रोकन और कोरोडेड वायर स्ट्रेंथ, जो हमारी केबल है, हाँ, कई बार क्या होता है ना, गाड़ी कई बार अगर स्टार्ट नहीं होती तो टर्मिनल की केबल निकाल के उसको साफ करते हैं, क्लीन करके मेरी पेपर से साफ करके दोबारा लगाते हैं, उनको देखना है कहीं वो क्रैक तो नहीं है, कहीं टूटी हुई तो नहीं है। स्ट्रेंच, इसमें से जो तार से बाहर तो निकले हुए नहीं है, इसको इंसुलेटेड नहीं है, ठीक, इंसुलेटेड नहीं है तो इसको करना है। चेक बैटरी केस एंड कवर फॉर डर्ट, इसका कवर है, इसकी केसिंग है, उसमें गंदगी तो नहीं है, ग्रीस वगैरह तो नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये है तो इसे क्या होगा, दैट कुड कॉज वोल्टेज और लीक टू ग्राउंड, क्लीन बैटरी है, ठीक है, जब भी आवश्यकता है उसको साफ करना है। इंस्पेक्ट द बैटरी फॉर क्रैक, लूज टर्मिनल एंड अदर डैमेज, रिप्लेस डैमेज बैटरी, तो ये बैटरी के इंस्पेक्शन में आ जाएगा। बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी किस चीज से चेक करते हैं,
हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर देखा है ना, बीच में शीशे की परख वाली टाइप होते हैं, ऊपर बल्ब होता है, पीछे एक रबड़ की होती है, इसमें आ जाते हैं, बीच में मरकरी टाइप होता है, मार्किंग रहती है, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिखाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के शीशे चेक करते हैं हाइड्रोमीटर। इफ द बैटरी हैज बिल्ट इन हाइड्रोमीटर चेक द कलर इंडिकेटर एंड जनरल बैटरी कंडीशन, बैटरी कंडीशन देख लेंगे। ये बैटरी का क्लीनिंग हो गया, बैटरी का इंस्पेक्शन हो गया, बैटरी के बारे में सब पता है, बैटरी में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस H2O डिस्टिल्ड वाटर, और क्या होता है इसमें प्लेट रहती है, प्लेट प्लेटों में भी आपस में प्लेट ना टकराएं तो क्या रहता है उसमें सेपरेटर रहते हैं, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, यही बैटरी का है। बैटरी के बारे में और काफी कुछ है, अगले वीडियो में बैटरी के बारे में बताएंगे, बैटरी टेस्टिंग के बारे में बताएंगे, बैटरी के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, जो चार टेस्ट मैंने बैटरी के बताए थे, बैटरी का टर्मिनल का टेस्ट है, लीकेज टेस्ट है, इंसुलेशन टेस्ट है, और चार्ज स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट है, जो है चार टेस्ट।